हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू द स्टार्टिंग माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कल 6:15 बजे मैं पूरा रेडी हो गया था। और अभी मैं फटाफट रेडी होता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, निकलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी दोस्तों मैं सुबह ही सुबह निकल चुका हूँ वापस आज फिर से। और अभी मैं जा रहा हूँ 4 बजे काम है, किसी से मिलना है तो वहाँ मिलेंगे, फिर वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। क्योंकि वो भी बंदा कहीं से आ रहे हैं, वो बाहर से कहीं से, तो मेरी बात हो गई थी। तो अब मैं एक्चुअली मालूम क्या करता हूँ भाई, मॉर्निंग में जितना हो सके ना 11, 11:30, 12 बजे तक जितने भी काम हैं वो सारे मैं निपटा लेता हूँ। मैं मीटिंग पे गया, मतलब सवेरे अगले में। गर्मी में मैं यही करता हूँ अक्सर समर के टाइम पे, क्योंकि सवेरे होता है ठंडा ठंडा मौसम भाई, अगली मॉर्निंग जितना अच्छा निपट जाए अच्छा ही रहता। फिर दिन भर आराम से आप ऑफिस में बैठे, ऑफिस का काम जो करना है वो करें, उसके बाद फिर जो भी काम निपटाना निपटाना हो वो अपना ऑफिस में बैठे निपटाते रहो भाई। कभी धूप में निकलना नहीं पड़ता। जब मैं राइड भी पहले करता था ना तो मैं मॉर्निंग में ही करता था, जितनी भी राइड वगैरह करना होता था, ये मतलब ओला राइड ऊबर राइड जो भी मैं करता था तो मैं मॉर्निंग में ही करता था। आप वो सीन ही नहीं है, टाइम ही नहीं है भाई। और वैसे मन तो मेरा बहुत कर रहा है करने का, होली से पहले एक दो राइड्स करेंगे, क्योंकि जो है ऐप वरना फिर बंद हो जाएगा ना तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। क्योंकि बाई चांस अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो फिर भाई उसको चालू करने में आ रहा था, क्योंकि एक बार बंद हो चुका है मेरा ऐप, तो उसको लॉगिन दोबारा करवाने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि पहले ये था कि ऑफिस था ओला उबर का, अब ऑफिस नहीं है ओला उबर का कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ से लखनऊ से मतलब कि ओला उबर का ऑफिस हट गया। जब वो जो नॉर्मली बंदे लगाने वाले खाली घूमा करते हैं तो उनसे फिर होना नहीं है काम अपना, तो इसीलिए इसको भाई चालू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एक दो राइड के लिए चालू कर दूँगा मैं, अगर हो जाएगा तो आज ही एक दो राइड कर दूँगा। चलते हैं फिलहाल 4 बार में मिलते हैं आपसे। दोस्तों मैं हूँ बिजनौर आज़ाद इंस्टीट्यूट के पे, आप मेरे पीछे देख रहे होगे कितनी भीड़ है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ एक एग्ज़ाम देने के लिए। मेरी बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी, मैंने फॉर्म भी डाला था बहुत पहले। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है किसी कोर्स को लेकर के, अब कौन सा कोर्स है क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में डिटेल बताऊँगा अगर एडमिशन हो जाता, क्योंकि भाई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई बहुत हार्ड पेपर आता है। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैंने ट्राई किया है और प्राइवेट के लिए तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्राइवेट में तो हो जाता है आराम से भाई, इंट्रेंस दे चाहे ना दे आराम से हो जाता, लेकिन प्राइवेट लेना नहीं गवर्नमेंट लेना है, तो देखते हैं। और मैं ये दोबारा करने जा रहा हूँ, एक बार करके आधा छोड़ दिया था मैंने बीच में ही, अभी दोबारा करने जा रहे हैं, देखते हैं फिर आपको बताता हूँ मैं। वो एग्ज़ाम तो मेरा बहुत पहले ही हो गया था, मैंने कोई भी ब्लॉग आज नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ, घर पहुँच करके तुरंत मुझे थोड़ा बहुत फ्रेश होगा, 5-10 मिनट बैठूँगा मुश्किल से, फिर मुझे निकलना है ऑफिस की तरफ। ऑफिस नहीं जाना लेकिन जाना उधर ही गोमती नगर, कुछ काम है तो उसको भी निपटाना है, तो अभी घर पहुँचते हैं फिर आपसे हम मिलते हैं। भाई मैं घर पहुंच गया लेकिन आज मैं थक गया बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा थक गया हूँ भाई आज मैं। अभी घर पे आया तो देखा मम्मी पापा भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं लोग। और अभी मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सो नहीं सकता, नींद आ रही है लेकिन सो नहीं सकता भाई, क्योंकि उठना है निकलना है अभी तुरंत। नींद आ रही देख रहे हैं आप, अभी तुरंत निकलना है मुझे, क्योंकि 15 से 20 मिनट खाली मैं रेस्ट करूँगा, फिर मुँह हाथ धोऊँगा, फिर निकल जाऊँगा तुरंत। अब आप आचे लेके चलेंगे। अभी दोस्तों मैं निकल चुका हूँ, टाइम हो रहा है 6:45 और 6 बजे तक मुझे पहुँचना है, 6:05 तक 20 मिनट पहुँच जाऊँगा, अंदर वाले रास्ते से ही जाऊँगा तो आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मैं निकलता हूँ, मैं पहुँचता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। मैं इस टाइम पे गोमती नगर पहुँच गया हूँ और CMS के पास ही मुझे जाना है, तो बस पहुँचने वाले हैं। और मेरे दोनों
जो शीशे मैंने लगवाए हैं साइड मिरर्स, कितने प्यारे लग रहे हैं देखने में। आप खुद देख सकते हो, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, लेकिन भाई मुझे खुद इतने प्यारे लग रहे हैं ना। लेकिन बस खाली एक कमी है इसमें, ये वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करते हैं तो उतना क्लियर नहीं दिखता है इसमें। भाई सस्ते में और क्या लोगे, ऐसे ज्ञान लोगे क्या? लेकिन कोशिश करूँगा ऐसे ही, अगर हैवी वेटेड वाले मिल जाए, बहुत लाइट वेटेड है, अगर हैवी वेटेड वाले मिल जाए ना तो ज़्यादा बेटर है। अभी दोस्तों मैं गोमती नगर से वापस जा रहा हूँ घर। वाह क्या किस्मत है, पहुँचे नहीं कि रेड लाइट खुल गई, ग्रीन हो गई, इसको कहते हैं किस्मत। अरे यार मेरा हेलमेट नीचे है, सॉरी कैमरा मेरा। ओ ओ ओ वेन्यू वेन्यू भैया, देखो आदमी कैसे गाड़ी चला रहा है यार, ये एकदम इंडिकेटर से मतलब ना, किसी ने इंडिकेटर दिया था लेकिन गाड़ी मोड़ने का तरीका गलत था। जब इधर वाली लाइन खुल गई तो इधर आना चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है उसको। हाँ तो मैं जा रहा हूँ घर वापस, और उसके बाद एडिटिंग करने बैठेंगे। कल वाला भी ब्लॉग अभी एडिट नहीं हुआ है, वो भी एडिट करना है, और आज काफ़ी सोच रहा हूँ एडिट तो भले ना करूँ लेकिन आज का जो है डेटा कॉपी करूँगा मैं पूरा। मोबाइल का जितना भी डेटा है मेरा, मैं सारा लैपटॉप में कॉपी करूँगा, क्योंकि अभी मेरी जो एडिटिंग चल रही है सारी की सारी मोबाइल से ही हो रही है, क्योंकि उससे लैपटॉप में टाइम ही नहीं मिल पा रहा भाई, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा बैठ करके आराम से करने में, और मेरा सॉफ्टवेयर भी सही से काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है अलग लैपटॉप, तो इसीलिए जो है अभी यहाँ सारा डेटा लेकिन अपना कॉपी कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अच्छा खासा डेटा भर गया है मेरा मोबाइल, वरना फिर मालूम है वो प्रॉब्लम करने लगेगा डेटा कॉपी होगा फोन होगा। मैं दोस्तों घर आ चुका हूँ वापस, रूम में आया, मेरा गेट खुला हुआ था, लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ लाइट जली थी क्योंकि यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, और मेरी माता श्री जो है पूरा कमरे का फैलावा फैला कर रखी हुई है, सब कपड़े गर्म कपड़े समेट कर रख रही हैं। देख रही हो मम्मी आप? दिख ही नहीं रही, ये रही, रुको मैं दिखाता हूँ अब आपको सही से। पूरा गठरी पटरी बांध बांध के मेरा कपड़े कमरे की जो है हालत ख़राब, इधर सब पूरा कपड़ा फैला हुआ है भाई। अभी 9 बज रहा है, इतना ज़्यादा मैं थक गया हूँ आज, पता नहीं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज, तो थकावट लग रही है। मैं जा रहा हूँ खाना खाने, बहुत मुश्किल से वो भी खाना खाने जा रहा हूँ, खाना खाता हूँ फिर अभी थोड़ा सा एडिट भी करना है भाई। आज मैं दोनों व्लॉग अपने एडिट कर दूंगा, एक व्लॉग मैं ऑलरेडी एडिट कर चुका हूँ, ये वाला व्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ, और इसके साथ ये वाला व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट भी कर दूँ। तो अपडेट करते करते भाई नींद तो बहुत तेज आ रही, लेकिन बस एक कंप्लीट हुआ है, अब एक और बाकी, क्योंकि मैं ऑलरेडी डेटा कॉपी कर चुका था इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं लगा। और टाइप देखिए हो रहा है 10:45 बाकी है, और मैं बस इस व्लॉग को कम्प्लीटली बस एडिट लास्ट है ये, तो इसी पे ही यहीं पे इस नोट पे इसको करते हैं व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई चैनल, थोड़े से और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं बोलता ही रहूँगा भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।